हेलो फ्रेंड्स, स्वाद का खजाना में आपका स्वागत करते हैं। आज बनाएंगे फास्ट के लिए बहुत ही टेस्टी सा चटपटा सा नाश्ता कच्चे केले से। जब आपका सभी तरह के नाश्ता और फलाहार से मन भर जाए, तो खूब चटपटा तीखा खाने का मन हो, तो ये टेस्टी सा नाश्ता आप बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा, काफ़ी चटपटा नाश्ता बनकर तैयार होगा फास्ट के दिनों में। तो आइए रेसिपी देखते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 1/2 kg कच्चे केले ले लिए हैं। अब इनको कुकर में डाल देंगे। पानी डाल देंगे 2 गिलास करीब। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस पर हाई फ्लेम पर 2 सीटी, स्लो फ्लेम पर 2 सीटी, 4 सीटी लगाएंगे। कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर अच्छी तरह ठंडा हो गया है, केले भी पक गए हैं। अब एक बर्तन लेंगे, छिलकों को हटा देंगे, गूदे को रख लेंगे। बहुत आसानी से बॉयल होने के बाद छिलके निकल जाते हैं। सभी केलों को छील लिया है, हाथ से ही मैश कर लेंगे। हाथ से बहुत अच्छी तरह मैश हो जाते हैं, केले मैश हो गए हैं। 2 मीडियम साइज के आलू लेंगे। आलू डालने से बाइंडिंग अच्छी बनेगी। इसमें भुना हुआ जीरा डाल देंगे, जीरे का पाउडर, हरी मिर्च स्वाद अनुसार, ढेर सारी हरी धनिया बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार सेंधा नमक, अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं अगर पसंद हो तो। फास्ट में और मसाले जो भी खाते हैं वो डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मैश कर लिया है। हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा घी, देसी घी, छोटी छोटी या बड़ी जिस भी साइज की पसंद हो टिक्कियां बना लेंगे। ये टिक्की बन गई है। ऐसे ही सभी टिक्कियों को बना लेंगे। सारी टिक्कियां बन गई हैं। अब एक तवे को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तवा गर्म हो जाए उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब इसमें टिक्कियों को रख देंगे, जितने आराम से आ जाएं। मीडियम फ्लेम पर इनको सेकेंगे। आपके अपने चैनल स्वाद का खजाना में आपको इजी रेसिपी देखने को मिलती है। तवे को थोड़ा हिला देंगे जिससे सब तरफ घी आराम से फैल जाए। जब एक तरफ से सिक जाए तो इनको पलट देंगे। ऐसे अलट पलट कर सुनहरा होने तक सेक लेंगे। घी कम लगे तो ऊपर से थोड़ा घी और डाल देंगे। बहुत आसानी से ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। ये टिक्की तैयार हो गई है, उसको निकाल लेते हैं। अब दोबारा से घी डालकर बची हुई टिक्कियों को भी तवे पे रख देंगे। मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। इनको भी अलट पलट कर सुनहरा होने तक सेक लेंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ये टिक्कियाँ सिक गई हैं, अब सर्व कर लेते हैं। इन टिक्कियों को जीरे वाले दही और टमाटर चटनी के साथ सर्व करिए, काफ़ी टेस्टी लगती हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। ऐसे इजी और टाइम सेविंग रेसिपी देखना पसंद करते हैं
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे इजी और टाइम सेविंग रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।